S-400 डिफेंस सिस्टम की तैनाती, समुद्र में धमाकों के बाद ऊपर उठता पानी, नौसेना के जंगी पोत से निकलता टैंक, पैराशूट के जरिए विमान से उतरते सैनिक और एक साथ उड़ते हेलीकॉप्टर। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि रूस और यूक्रेन के बीच तनाव किस हद तक पहुंच गया है। एक तरफ जहां यूक्रेन आम चुनाव में जुटा है, वहीं दूसरी ओर रूस क्रीमिया में अपनी सैन्य तैनाती बढ़ाता जा रहा है। क्रीमिया वही इलाका है जिसे 2014 में रूस ने यूक्रेन से छीन लिया था, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। रूस और यूक्रेन के बीच हालात इतने खराब हो गए हैं कि रूस ने न सिर्फ क्रीमिया में लड़ाकू विमान और युद्धपोत तैनात किया है, बल्कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी तैनात कर दिया है। ये डिफेंस सिस्टम यूक्रेन की ओर से होने वाले किसी भी मिसाइल के खतरे को देखते हुए लगाया गया है। साथ ही रूस लगातार सैन्य अभ्यास भी कर रहा है। रूस के क्रीमिया में इस सैन्य तैनाती को देखते हुए यूक्रेन भी पूरी तरह से लड़ाई की तैयारी में जुट गया है और अपनी सैन्य शक्ति को परख रहा है। साथ ही कुछ दिन पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति भी सैन्य तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे थे, जहां उन्होंने हथियारों को देखा और लड़ाई के खतरे को लेकर सेना के जवानों से बात की थी। बता दें कि 1954 में सोवियत संघ के सर्वोच्च नेता निकिता ख्रुश्चेव ने क्रीमिया को तोहफे के तौर पर यूक्रेन को दिया था। उस वक्त यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन यूक्रेन के सोवियत संघ से अलग होने के बाद क्रीमिया रूस और यूक्रेन के बीच झगड़े की वजह बन गया, जिसके बाद रूस ने 2014 में क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था।